एक इतना खतरनाक है। सो गाइज, आप लोग कैसे हो? तो उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। तो आज ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही डेंजर और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि आपको इससे बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले इस तीन ऑयल से, यानी कि यह है पेट्रोल, यह है डीजल और यह है मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन। आप तो सभी ने इसको इस्तेमाल करते हो और ज़्यादातर इस्तेमाल आप सभी लोग करते हैं इंडिया के अंदर केरोसिन का, क्योंकि ये आपको मुफ्त में मिलता है गवर्नमेंट से। तो चलिए पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो यह है पेट्रोल यानी कि ज़्यादातर बाइक में ही डालता है, और यह है डीजल यानी कि ट्रैक्टर में इसको ज़्यादा यूज करते हैं, इसका ज़्यादातर यूज करते हैं गैसोलीन में। सो गाइस, आज का एक्सपेरिमेंट है कि इन तीनों चीज़ों को हम तो घर पर रखते हैं, लेकिन क्या इसमें बहुत ही डेंजर कौन है और इसको रखना क्या हमारे घर पर सेफ है या नहीं, यानी कि दिखाएंगे कौन सा ज़्यादा डेंजर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कितना कौन सा ऑयल ज़्यादा डेंजर है। सो गाइस, अगर ये तीन ऑयल को आप अगर खुले में रख देंगे तो कुछ देरों बाद आपको पता चलेगा कि इसमें से थोड़ा मात्रा में भी कम नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल जो है वो बहुत मात्रा से ये उड़ के चला जाएगा। यानी कि ये जो है ज़्यादातर गैसोलीन होता है, इसलिए ये गैस की तरह उड़ के चला जाता है, लेकिन ये दोनों केरोसिन और डीजल नहीं उड़ता है। सो गाइस, इन तीनों में से जो सबसे डेंजर है वो है पेट्रोल, सभी जानते हैं। तो चलिए पहले हम आपको दिखा देते हैं केरोसिन से एक्सपेरिमेंट करके। तो इसको हम साइड में रखते हैं और आपको हम पहले मिट्टी का ऑयल यानी कि केरोसिन ऑयल से एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई इसे घास ऑयल भी कहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस केरोसिन को इस बीकर में डाल लेंगे। डालने के बाद ऑब्वियसली हम अब क्या करेंगे कि इस माचिस के, यानी कि एक रुपये में जो मिलता है उस माचिस के सहायता से हम इस पर आग लगाने की कोशिश करेंगे। और आप जानते हैं कि तीनों का तीन फॉइल जो है वो फ्लेमेबल होता है। तो चलिए पहले हम इसमें आग लगाते हैं। तो देख सकते हो आप, ये आप घर पे करने की या दोहराने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये बड़ी सावधानी और निगरानी के साथ किया गया है। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। ऑब्वियसली हम इसको छोड़ दिया है। तो गाइस, देख सकते हो आप, काठी जो है हमारा यानी कि स्टिक वो आप तैर रहा है, लेकिन आग नहीं पकड़ रहा है। तो चलिए हम आपको फिर दिखा देंगे, इसको फिर से दोहरा के दिखाएंगे कि आग जो है केरोसिन में नहीं जलता है, लेकिन देख सकते हो आप बुझ जा रहा है। लेकिन चलिए हम फिर आपको दिखाते हैं इस पैट्रिस में डाल के। सो गाइस, देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने केरोसिन ऑयल को डाल दिया है जो मिट्टी का ऑयल है। तो अब हम इस पर आग लगाने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, देख सकते हो यहाँ पर आग जो है पकड़ के नहीं रख सकता है केरोसिन ऑयल। चलिए दोबारा हम आपको दिखाते हैं, यानी कि ये जलनशील है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में आप रखेंगे तो वहाँ पर नहीं जलेगा। आपको दिखा देते हैं कि सच में जलता है या नहीं। तो इसके लिए हम पहले एक पेपर लेंगे, पेपर को यहाँ पर थोड़ा डुबा लेंगे, उसके बाद इस पर आग लगाएंगे। तो गाइस, देख सकते हो यहाँ पर जो आग है वह जल रही है, यानी कि ये जल रहा है लेकिन वहाँ पर नहीं जल रहा है। तो चलिए दूसरे ऑयल का भी टेस्ट करते हैं। हम आपको दिखाएंगे डीजल के साथ एक्सपेरिमेंट करके। तो पहले हम इस पर ही डाल लेते हैं बैटरीज में। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो है डीजल ऑयल यहाँ पर हमारा है। तो चलिए इस डीजल ऑयल पे भी हम आग लगा के देखते हैं। तो गाइस, देख सकते हो यहाँ पर हमने आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं जल रहा है, देख सकते हो आप। और एक बार हम आपको दिखा देते हैं, एक बार ये तो तीनों का तीन जलनशील है, लेकिन फिर भी नहीं जल रहा है। तो गाइस, चलिए अब हम आपको दिखा देंगे इसमें भी आग लगा जला के, नहीं तो आप कहेंगे कि ये तो पानी था। तो हमने केरोसिन डीजल में इसको डाल दिया है, अब इसको हम आग लगाएं। तो गाइस, देख सकते हो यहाँ पर भी आग जल रहा है, यानी कि यहाँ पर आग जल रहा है लेकिन उसमें नहीं जल रहा है, यानी कि ये जलनशील है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में आप रखेंगे तो वहाँ पर नहीं जलेगा। तो चलिए
अब हम आपको तीसरा यानी कि सबसे डेंजर जो है वो आपको दिखाने वाले हैं, जिसका नाम है पेट्रोल। तो यह है हमारा पेट्रोल जो बहुत ही खतरनाक है। अगर आपकी एज 18 साल की कम है तो आप इसको दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही डेंजर हो सकते हैं बहुत। तो अब हम लगाएंगे इस पेट्रोल में आग। सो गाइस चलिए देखते हैं, आग लगाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो गाइस देख सकते हो आप, यहाँ पर आग लग गया है, यानी कि पेट्रोल बहुत ही डेंजर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा से आग लग जाता है, क्योंकि ये उद्वायु होता है यानी कि यह जलनशील होता है पेट्रोलियम है। तो चलिए इसको बुझा देते हैं पहले। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही डेंजर हो सकता है, तो आप कृपया करके इसको दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही रिस्क है। सो गाइस इसको निभाने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको पहले कुछ भी लेना है जो नीडेड होगा उसको ऐसे करके बुझा देना। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऑक्सीजन का जो सप्लाई था वो कट दिया, इसके मदद से बुझ गया। तो चलिए फिर और एक बार दोहरा के दिखाते हैं आपको ये कैसे बुझा। तो गाइस देखा आपने, ऑब्वियसली हमने तीनों ऑयल को हमने ट्राई किया, लेकिन पेट्रोल जो है सबसे खतरनाक निकला। तो चलिए फिर आपको हम दिखा देते हैं ये कितना खतरनाक है। तो गाइस देख सकते हो आप जल गया है, लेकिन इसको बुझाने का ट्रिक बहुत ही आसान है, यानी कि इसका जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको आपको काटना है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही जलता है। तो चलिए पहले हम इसको ऐसे रख देते हैं, ऑक्सीजन का जो सप्लाई था वो कट गया, यानी कि ये बुझ गया। सो गाइस इससे तो आपको पता चल गया है कि कौन ज़्यादा डेंजर है, इसको आप रख सकते हैं, लेकिन केरोसिन और डीजल को रखने से आपको ज़्यादातर कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेफ्ट है, आपके घर पे उसको रख सकते हैं, लेकिन पेट्रोल बहुत ही खतरनाक है। तो इसको आप घर पे खुला रखने की कोशिश मत कीजिएगा। तो अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी सीखने मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे एक्सपेरिमेंटेड वीडियो देखने के लिए घंटी बटन को बजा दीजिए। आप मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।